मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। जिन्होंने लाखों दिलों का विश्वास जीता और इन्हें अपने सपनों से जोड़ा, उन सपनों को साकार कर दिखाया और पूंजी के सामाजिक और लोक हित में निवेश की राह ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में सुझाई, शिक्षा संस्थानों के निर्माण संचालन कर उनका नेतृत्व किया और साथ में परिवर्तन की ज्योत प्रज्वलित की और मानवता, समानता व अहिंसा को एक दूसरे के साथ व्यवहारिक ढंग से स्थापित किया। शिक्षा के ऐसे स्तंभ स्थापित किए जहां से हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में होनहार इंजीनियर और मैनेजर देश की उच्च स्तरीय नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसे प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशनल कॉलेजों के निर्माण के लिए महाराजा अग्रसेन सोसाइटी की नींव मात्र 9 सदस्यों की संख्या से 1998 में रखी और आज 190 से अधिक सदस्यों के समूह का रूप धारण कर चुका है। केवल 14 साल के अल्प समय में यह नींव आज भव्य इमारत का रूप धारण करके अनेक सोपानों को पार करते हुए हिमाचल में यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के प्रमुख अध्येता के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी एक अग्रणी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होने जा रही है। वे शिक्षकों के लिए अनवरत प्रेरणा स्रोत हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को उन्होंने वास्तव में चरितार्थ किया है, जिन्होंने देश की राजनीति में भी एक सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभाई, जो अपनी योग्यता और सदाचार के लिए न केवल अपने देश अपितु विदेशों में भी जाने जाते हैं, जिन्हें विदेश में भारतीय शिक्षा और संस्कृति के पर्याय के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग के सिवा ऐसा व्यक्ति भला और कौन हो सकता है? आज हम उन पर जितना गर्व करें उतना ही कम होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया।